दिल्ली और देश के अलग अलग डीएनबी इंस्टीट्यूट के डीएनबी मेडिकल पीजी डिग्री कोर्स के छात्र छात्राओं ने द्वारका स्थित एनबीईएमएस ऑफिस के समक्ष एग्जाम के दौरान कॉपियों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि डीएनबी कोर्स को भी एनएमसी के अंदर लिया जाए और इनका एग्जाम भी उचित तरीके से लिया जाए। छात्रों ने डीएनबी एग्जाम के दौरान धांधली और कॉपियों के स्कैम का आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीआई द्वारा 48 छात्रों की कॉपियों के साथ हेराफेरी का खुलासा हुआ है और उन्हें कम मार्क्स दिए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे 4 डीएनबी पीजी डिग्री छात्रों के प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर रमन कुमार, मुरारी वत्स, जितेंद्र और सुयेश के साथ एनबीईएमएस के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा पैटर्न को एनएमसी अनुरूप करने की मांग स्वीकार की गई और आगामी डीएनबी परीक्षा में लागू करने के लिए एनबीईएमएस की परीक्षा कमेटी और जनरल बॉडी मीटिंग करने का फैसला लिया गया। यहाँ पे क्या ऑर्थोपेडिक्स कॉपी की जो कॉपी यहाँ पे चेक होती है उसकी कॉपी एक्सचेंज कर गई दी गई है, उसके चलते बच्चों की रिजल्ट में फेल काफ़ी ज़्यादा हुआ है और कॉपी स्कैम है। ये स्कैम इस सेंस में है कि कॉपी का जो दूसरे कॉपी में चला गया है और ये मेरे पास आरटीआई का अप्रूव्ड है। जब हमने अपने कॉपी मंगवाया तो उसमें दूसरा लड़का कॉपी था, उसमें हमें नंबर भी कम था और उसने एक्सेप्ट किया कि 48 कॉपी का स्कैम हुआ है जिसमें एक्सचेंज हो गई है। इसीलिए कर रहे हैं प्रदर्शन, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि कॉपी स्कैम जो उसका जांच की जाए। हम लोग इधर सब लोग इस वजह से सब लोगों ने प्रदर्शन करने का सोचा हुआ है कि पासिंग परसेंटेज रिजल्ट बहुत कम एग्जामिनेशन का, डीएनबी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का पासिंग परसेंटेज बहुत लोअर साइड में है बिकॉज ऑफ द स्कैम्स गोइंग ऑन इन द ऑफिस डन बाय ऑफिशियल्स। और इस वजह से हम लोग सब स्टूडेंट्स एक साथ सेक्टर द्वारका सेक्टर नंबर 9 में आके हम लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ है कि इसकी सारी चीज़ों की जांच की जाए और जांच करके इसका प्रॉपर रिजल्ट आए। बता दें कि छात्रों ने उनकी मांगों के माने जाने के आश्वासनों के बाद प्रदर्शन समाप्त करते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं।